भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 जून से 5 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। अफ्रीका सीरीज के लिए टीम इंडिया की कमान KL राहुल के हाथों में है। हाल ही खत्म हुए IPL में 3 प्लेयर्स ने बहुत ही शानदार खेल दिखाया और IPL के प्रदर्शन के दम पर इन प्लेयर्स ने टीम इंडिया में वापसी की है और अपने करियर को खत्म होने से बचा लिया। T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद से ही हार्दिक पांड्या टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे। वह फिट भी नहीं थे, लेकिन IPL 2022 में अपने खेल से हार्दिक ने सभी का दिल जीत लिया। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में गुजरात टाइटंस ने IPL 2022 का खिताब अपने नाम किया और इसमें सबसे बड़ा योगदान हार्दिक के खेल का रहा है और शानदार खेल के बदौलत ही हार्दिक ने टीम इंडिया में वापसी की है। भारतीय पिचें हमेशा से ही स्पिनर्स की मददगार होती है और इन पिचों का भरपूर फायदा IPL में कुलदीप यादव ने उठाया। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से IPL 2022 के 14 मैचों में 21 विकेट हासिल किए और वह काफी किफायती भी साबित हुए। कुलदीप के खतरनाक खेल को देखते हुए सिलेक्टर्स ने दोबारा उन्हें टीम इंडिया में मौका दिया, जब सभी दिनेश कार्तिक का करियर खत्म मान रहे थे और KKR टीम ने उन्हें रिटेन भी नहीं किया था। तब IPL 2022 में दिनेश कार्तिक RCB टीम के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए। कार्तिक ने IPL 2022 के 16 मैचों में 330 रन बनाए। कार्तिक की 3 साल बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है